नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों के लिए काफी बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। फाइनली आप सभी छात्रों के लिए लाइब्रेरियन जो कोर्स है उनके जो एडमिशन है आप सभी छात्रों के लिए जारी हो चुके हैं। अभी फिलहाल जो स्टूडेंट एक तरीके से BLIS यानी कि बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में अगर ये कोर्स अगर आप करने की सोच रहे हैं तो आप सभी छात्रों के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। एडमिशन आपको किस तरीके से करवाना है, फीस यहाँ पर क्या रहने वाली है, साथ में एलिजिबिलिटी है वो आपकी क्या रहेगी, इसका जो एग्जाम है एग्जाम आपका कब होने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को दी जाएगी। आपको ये कोर्स रेगुलर करना चाहिए या डिस्टेंस से करना चाहिए वो भी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो एडमिशन स्टार्ट हुए हैं वो इग्नू यूनिवर्सिटी के द्वारा एक तरीके से जारी हुए हैं। अब आपको पता है कि राजस्थान में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी और साथ में जो इग्नू है इनके द्वारा जो एडमिशन है वो एक साथ स्टार्ट होते हैं जुलाई और दिसंबर, यानी कि इनके जो एडमिशन है एक साल में दो बार होते हैं। अभी फिलहाल इग्नू के द्वारा जो एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, साथ में आपके लिए जो एडमिशन है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब उसी के बाद में बात करें, यहाँ पर BLIS कोर्स है उसके लिए आप एडमिशन किस तरीके से ले सकते हो। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, आपके जो एडमिशन है उसकी डेट आपकी 30 जून रखी गई है। जब आप इस वीडियो को देखोगे तो क्या पता जो डेट है वो आगे पोस्टपोन कर दी जाए, क्योंकि जुलाई में भी आपके एडमिशन चलने वाले हैं और अभी फिलहाल एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट आपकी 30 जून रखी गई है, आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट एडमिशन है वो ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी की यहाँ पर बात करें, जिन स्टूडेंट ने एक तरीके से ग्रेजुएशन है वो पास कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से, जैसे कि अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है या बीकॉम किया है तो आप एक तरीके से एलिजिबल है, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी 50% होनी चाहिए, साथ में जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट है जैसे कि एससी के स्टूडेंट है, एसटी के स्टूडेंट है, अगर आपकी परसेंटेज 45% है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म है वो भर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। उसी के बाद में यहाँ पर कितने सब्जेक्ट आपके रहेंगे, साथ में जो ड्यूरेशन है वो कितने साल का रहेगा, देखो आपको मैं क्लियर कर दूं, जो BLIS है ये आपका एक साल का इसका ड्यूरेशन होता है, एक साल का ये कोर्स होता है। अभी फिलहाल आप जैसे जून में इसमें एडमिशन लोगे या जुलाई में आप एडमिशन लोगे तो इसके एग्जाम है वो आपके 2025 में होंगे, 2025 में आपके एग्जाम भी होंगे साथ में आपके असाइनमेंट भी होंगे। काफी छात्रों का डाउट रहता है कि असाइनमेंट है या एक तरीके से हमारा जो कोर्स है वो कौन से मीडियम में रहता है, वो भी मैं क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो एडमिशन है वो आप ग्रेजुएशन के बाद में ले सकते हो और उसी के साथ में जो एडमिशन प्रक्रिया है, ठीक है, वैसे ड्यूरेशन आपका एक साल का रहेगा, जो एडमिशन प्रक्रिया इसके लिए रहने वाली है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हो, यानी आपको किसी भी तरीके का एक तरीके से एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको यहाँ पर कुछ हाईएस्ट एक तरीके से परसेंटेज है उसकी भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रहती। परसेंटेज का मैंने क्लियर कर दिया कि कितनी क्या कुछ चाहिए होगी। उसी के बाद में यहाँ पर जो कोर्स एज की है उनकी बात करते हैं, यहाँ पर आपके 8 से 9 कोर्स रहने वाले हैं, जिनमें बात करें तो 5 प्रैक्टिकल आपके और 4 आपके थ्योरी पेपर आपके होंगे। इनके लिए जो रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर भी दिए जाते हैं कि आपको जो प्रैक्टिकल है कौन से सेंटर पर दिया जाएगा या एक तरीके से एग्जाम है आपको वहाँ पर जाकर देना होगा। उसी के बाद में मीडियम का मैं क्लियर कर देता हूँ, इसके लिए जो मीडियम है वो आपका इंग्लिश रहता है, ठीक है, आपका पेपर इंग्लिश में आता है। बाकी आप सभी छात्रों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि आप जो पेपर है वो हिंदी मीडियम में भी दे सकते हो, साथ में इंग्लिश में भी दे सकते हो, आपका जो असाइनमेंट होगा वो आप असाइनमेंट है वो हिंदी में भी आप एक तरीके से बना सकते हो, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आप सभी छात्रों को नहीं होगी। उसी के बाद में यहाँ पर मोड है, मोड आपका क्या रहने वाला है, यानी कि आप किस मोड के आधार पर एक तरीके से अपना जो BLIS है वो क्लियर कर सकते हो, आप ऑनलाइन यानी कि ODL ओपन डिस्टेंस लर्निंग से भी आप कर सकते हो या आप रेगुलर करना चाहते हो तो रेगुलर भी आप कर सकते हो। देखो मेरी नज़र में डिस्टेंस लर्निंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप ODL से भी जो ये कोर्स है BLIS है वो आप कर सकते हो। उसके बाद में फीस कितना रहने वाला है, देखो फीस स्ट्रक्चर का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसके लिए जो आपकी फीस रहेगी यानी जो एक तरीके से कॉलेज फीस है वो आपकी 8,700 रुपये आपकी रहने वाली है, जो कि एक साल की आपकी फीस रहेगी।
अब जो एग्जाम फोरम फीस है वो इसकी अलग से रहने वाली है। एग्जाम फोरम फीस पर कोर्स आपका ₹200 रहने वाला है, ठीक है, ये सभी छात्र ध्यान रखना। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर आपको 3 से 4 साल की छूट दी जाती है कि अगर बाय चांस कोई साल फर्स्ट ईयर में एक तरीके से नहीं पास करता है इस BLIS कोर्स को, तो उसको सेकंड साल में एक तरीके से मौका दिया जाएगा। अगर सेकंड साल भी एक तरीके से पास नहीं कर पाता है तो थर्ड में या फोर्थ में भी उनको एक तरीके से फोर्थ साल तक भी उनको मौका मिलता है कि आप इस BLIS कोर्स है उसको अच्छे से पास कर सकते हो। बात करें यहाँ पर एडमिशन की, देखो एडमिशन का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कितने दिन में आपका एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाता है। जैसे कि अभी फिलहाल आप एक तरीके से फॉर्म भर दोगे, फॉर्म भरने के बाद में जब आपका नंबर आ जाएगा, नंबर आने के बाद में आपको कॉलेज में जाकर एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा। वहाँ पर जो आपकी फीस है ₹8,700 वो आपको सबमिट करवानी होगी। सबमिट करवाने के बाद में कितने दिन बाद में आपके जो एनरोलमेंट नंबर है वो आपके आ जाएंगे, आपका एडमिशन कब कन्फर्म हो जाएगा वो आपको मैसेज के द्वारा या आपको ईमेल के द्वारा कन्फर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये आपको लगभग 1 सप्ताह यहाँ पर लग सकता है, यानी कि 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है। 1 सप्ताह में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप सब कुछ एक तरीके से बिल्कुल क्लैरिफाई करके चलते हो, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट सही से वहाँ पर सबमिट करते हो, फीस सही से सबमिट करते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है, तो आपका 1 सप्ताह में जो आपका एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका जो एग्जाम है वो कब होगा, काफी छात्रों का डाउट रहता है। अभी देखो अगर आपका एडमिशन 2024 में जुलाई में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो इसके लिए जो आपके एग्जाम है वो जून के प्रथम सप्ताह में एक तरीके से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, प्रथम सप्ताह में स्टार्ट हो जाएंगे, और मई में ही आप सभी छात्रों के लिए जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया जाएगा। उससे के बाद में आपके असाइनमेंट होंगे, असाइनमेंट के लिए आपको रीजनल सेंटर दिए जाते हैं, उनकी लिस्ट आप वेबसाइट पर जाकर भी देख पाओगे, साथ में इधर भी आप देख सकते हो। उसकी जो डेट है वो आपकी 31 मार्च रखी जाती है। अब देखो आपको भी पता है कि एक साल में 2 बार एडमिशन हो रहा है तो सब कुछ प्री शेड्यूल्ड एक तरीके से रखा जाता है कि एग्जाम टाइम लिया जाएगा, उसके बाद में असाइनमेंट आपका इस टाइम लिया जाएगा, तो सब कुछ एक तरीके से शेड्यूल रहता है यूनिवर्सिटी के माध्यम से। अब यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या लगने वाले हैं मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो डॉक्यूमेंट्स में कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, आपका फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट है यानी जाति प्रमाण पत्र है वो आपका होना चाहिए। उसी के बाद में आपका जो मार्कशीट है वो होना चाहिए, जैसे 12th का मार्कशीट हो गया, साथ में UG का स्नातक का मार्कशीट हो गया, तो ये मार्कशीट आपके चाहिए होंगे। तो इस तरीके से आप इग्नू में एक तरीके से एडमिशन है वो ले सकते हो। बात करें यहाँ पर राजस्थान में VMU की, तो VMU के लिए जल्दी ही एक तरीके से फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक आप सभी छात्र थोड़ा पेशेंस रखें और आप ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर आप वहां से विजिट करके फोरम है वो भर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।